What's up guys, what is popping? It's your boy Tushar here, back again with a new video. So guys, आज हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो भी कैंपिंग एरिया है, जो भी ये विला है, विला ही बोल सकते हैं, पूरा बहुत सही है, तो उसका पूरा टूर करा दूँ आप लोगों को. बहुत सही है, और कमेंट करके बताना ग्लासेस कैसे ठीक है, कमेंट ज़रूर करना. बहुत ऑसम प्लेस है, और मैं कैंप अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत मेसी है. जब आज हम लोग का चेकआउट है, तो जब हम लोग पूरा पैक कर लेंगे तभी दिखा दूंगा. तो तब तक आप लोग को यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पूरा. बहुत सही है, और यानी कि चल जल्दी. हाँ, ये भी आ रहा है मेरे साथ, तो ठीक है, आप लोग वीडियो इन्जॉय करो तब तक. ओके, सो ये है हमारा कैंप, यहाँ पे टेंट, यहाँ पे हमारा. फिर अभी आप लोगों को यहाँ से पूरा सीन दिखाता हूँ. रिवर गंगा ये देख लो, इसमें ही हम लोग ने राफ्टिंग किया था, पर यहाँ नहीं, उनमें से हम लोग का कुछ हिमालयन रिवर्स ऐसा कुछ करके था. यही वो रिवर यहाँ से पूरा नीचे जाती है, गंगा रिवर. तो हम लोग थोड़ी देर में नीचे भी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सिल्वर वाइट सैंड है वहाँ पे. तो अभी आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट एरिया. ओके, सो ये रहा ब्रेकफास्ट एरिया, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ पूरा. यहाँ से ये पूरा ब्रेकफास्ट एरिया, और यहाँ पे पूल है, ये लास्ट में दिखाऊंगा आपको. ओके, सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है पीछे, और डिनर विनर सब यहाँ पे ही होता है. तो उसके ही सामने एग्जैक्ट ये बच्चों के लिए ट्रैम्पलिन है. मैं नहीं गया अभी तक इसके अंदर, क्योंकि ये बच्चों के लिए ठीक है. यहाँ पे थोड़ा शाम को चिल करने के लिए जगह, और ये जो जगह दिख रही है ये बॉनफायर के लिए. वहाँ पे पीछे भी एक और जगह है बॉनफायर के लिए. ये एक और जगह है बॉनफायर के लिए, ये चिल करने के लिए जगह. ये थोड़ा झूला वगैरह यहाँ पे. और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुके, पर मैंने अभी तक एक भी एक्टिविटीज़ नहीं किया, क्योंकि घूम ही रहे थे हम लोग. रिवर राफ्टिंग किया, बंजी जंपिंग किया, ऑसम है बंजी जंपिंग, कभी ट्राई करना लाइफ में. और जाइंट स्विंग किया, फ्लाइंग फॉक्स किया. जैसे कि मैंने बताया, मैं पूरा ये कैंप एरिया जो है विला पूरा इसका टूर करा रहा हूँ. इसका नाम है एक्वा स्प्लैश. तो मैं पूरा सब एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ. वहाँ पे भी है थोड़े बहुत एक्टिविटीज़, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में पूल में जाएंगे हम लोग. तो मैं बार बार सीन दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सही यार ये व्यू ना, बहुत सही है. तो ठीक है, अभी आर्चरी करेंगे. पहले ये गोल्ड मेडलिस्ट. ओ जस्ट मिस. और एक ओ ओके, ए गिर गया, व्हाट द फक. ओ कितना पॉइंट. ओके, इस बार आपके लिए 10 पॉइंट्स. तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो ये वीडियो को. Yeah, let's go. Oh, एक भी पॉइंट नहीं मिला. 7 पॉइंट्स. ओके, सो ऑलराइट गाइस, ये था आर्चरी. ये हम लोग ने किया. अभी ये हमारे टेंट्स है यहाँ पे सारे. तो अभी और दूसरी एक्टिविटी है, वहाँ पे जाएंगे यहाँ से चल. तो ठीक है, वो भी एक्टिविटी दिखा देंगे आप लोगों को. ये देखो, ये बॉनफायर है. ये कल रात हुआ था, पर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि सब इंजॉय कर रहे थे यार. तो मतलब इतना ध्यान में नहीं आया मेरे को शूट करना है. वो मतलब मैंने स्टेटस पे तो डाला था मेरे व्हाट्सएप के, इंस्टा के. तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा की, तो जाओ जाके फॉलो करो इंस्टा पे. तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ये, इसको पता नहीं क्या बोलेंगे. ये यहाँ से पूरा वहाँ तक आगे, और ये रहा यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस एंड हेलमेट. ये अभी पहनेंगे हम लोग, और ये करेंगे ये वाली एक्टिविटीज़.
ओके सो गाइस ये है स्विमिंग पूल, आपको डेप्थ भी बता देता हूँ इसका, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 11 फीट है। अभी निकलेंगे क्योंकि अभी हमारा चेकआउट है, तो ठीक है अभी थोड़ी देर स्विमिंग में टाइम पास करते हैं फिर निकलते हैं। ओके सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये डीप है 11 फीट, आपको नीचे जाके दिखाता हूँ एक बार। ओके सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे डीप है 11 फीट्स और यहाँ पे पीछे कुछ 3-4-5 ऐसा 5 फीट पकड़ लो। इसके लिए ये सब जो ये लोग जो है इन्होंने लाइफ जैकेट पहना है क्योंकि यहाँ पे डीप है। और ये रहा अनिकेत, अभी इसने लाइफ जैकेट निकाला। आप लोगों को भी डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो डिफरेंस। ओके सो गाइस जो वहाँ पे जो बंदा बैठा है और डूब रहा था उसको दो मैंने और वो और एक बंदा उसने बचा लिया। तो और अभी मैंने लाइफ जैकेट पहना क्योंकि अनिकेत जो है मेरे साथ, ये मेरा दोस्त, वो स्विमिंग सीख रहा है, तो उसको मैंने बोला कि अभी लाइफ जैकेट तू निकाल दे, तो अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ी तो वो मुझे पुल करेगा नीचे, तो इसके लिए ये मैंने पहन लिया। तो ठीक है अभी देखते हैं वो कैसे स्विम करता है बिना लाइफ जैकेट के। अरे